अभी हाल फिलहाल में मेरे एक दोस्त ने मुझे एक मैसेज किया था और उसमें लिखा हुआ था कि इंस्टाग्राम बैन होने वाला है और साथ में ये वाली जो है फ़ोटो सेंड की थी। मेरा दिमाग थोड़ा सा खिसक गया था, लेकिन मैंने इसके ऊपर पूरा सर्च किया, रिसर्च किया और मैंने पता लगाया कि ये रियल है या फेक है। तो चलिए आपको मैं बताती हूँ कि ये वाली न्यूज़ जो है वो रियल है या फेक है। तो फटाफट से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस इंस्टाग्राम से रिलेटेड मैं आप लोगों के लिए रेगुलर लेके आती रहती हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो पढ़ लेते हैं। ये इंडिया न्यूज़ की तरफ से और इसमें लिखा हुआ कि भारत सरकार का कहना है अब करेगी इंस्टाग्राम बैन, 18 वर्ष से कम लड़के व लड़की को हो रहा है भारी नुकसान। यानी जो 18 वर्ष से कम एज के बच्चे हैं उनको नुकसान हो रहा है इंस्टाग्राम यूज़ करने से। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार का कहना है कि 18 वर्ष से कम आयु वाले ज़्यादा चलाते हैं, वह पढ़ने के समय हो रहा है यानी वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं और वो ज़्यादा चलाते हैं और गलत वीडियो हो रही है वायरल इंस्टाग्राम पर। गलत वीडियो मतलब वही अश्लील वीडियोज़ जो हैं वो वायरल हो रही हैं। पर पिछले एक महीने से गलत सॉन्ग भी वायरल हो रहा है जिसमें 15 मिलियन बनाई गई रील्स हैं। इसी कारण को लेकर भारत सरकार पूरे भारत में अगले 3 दिनों के अंदर कर रही है इंस्टाग्राम को बैन। ठीक है, तो सरकार का कहना है कि इंस्टाग्राम में जो है अश्लील वीडियोस जो है वो चलती हैं, रील्स जो है ट्रेंडिंग चलती है तो लोग उसी को देखते रहते हैं, मतलब लोग क्या बच्चे उसी को देखते रहते हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, इसलिए जो है सरकार इंस्टाग्राम को बैन करना चाहती है। लेकिन ये न्यूज़ जो है सिर्फ न्यूज़ चैनल वालों ने बताई है, ऐसा फोटो न्यूज़ चैनल वालों का ही है। तो क्या ये चीज़ सही है या नहीं, इसकी जानकारी के लिए हम लोग चले जाते हैं गूगल चाचा की ओर। ठीक है, तो अब गूगल चाचा के पास हम लोग जाके ये सर्च कर लेते हैं कि इंस्टाग्राम बैन न्यूज़ सही है या नहीं। तो हमने सर्च किया इंस्टाग्राम बैन न्यूज़, वहाँ पे हमें एक नोटिस, सबसे पहला वेबसाइट हमने ओपन किया, वहाँ पे भी वही घिसा पीटा चीज़ लिखा हुआ था कि 18 साल के से कम बच्चों के एज के जो ग्रुप हैं, एज ग्रुप है जो 18 ईयर्स से कम एज ग्रुप के हैं उनको ये चीज़ नुकसान हो रहा है, इसलिए जो है इंस्टाग्राम बैन किया जा रहा है, ये सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन है। लेकिन ये तो सिर्फ सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन, क्या ये इंस्टाग्राम की तरफ से भी नोटिफिकेशन आया हुआ है या नहीं, इसलिए हमने चल गए इंस्टाग्राम के लेटेस्ट न्यूज़ पर, क्योंकि इंस्टाग्राम अगर कोई भी चीज़ करता है तो वो लेटेस्ट नोटिफिकेशन ज़रूर डालता है अपना। तो यहाँ पर हमने सर्च किया इंस्टाग्राम लेटेस्ट न्यूज़, तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। यहाँ पर ब्रॉडकास्ट चैनल अभी न्यू लॉन्च हुआ है इसके बारे में था, नोट्स में म्यूजिक ऐड हो गया है, ये वाली न्यू फीचर के बारे में बताया गया है, 699 रुपीस में ब्लू टिक आ गया है, ये सारी चीज़ें बताई हैं, लेकिन इंडिया में बैन होगा इंस्टाग्राम ये चीज़ नहीं बताया था। तो मुझे नहीं लगता कि इंस्टाग्राम जो है इंडिया में बैन होगा, क्योंकि इंस्टाग्राम जो है ऑलरेडी इतने सारे जो फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड करता है कि जो 18 साल से कम एज ग्रुप के बच्चे हैं उनको कोई भी नुकसान ना हो। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इंस्टाग्राम के मैं सेटिंग्स में चले जाती हूँ अगर, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सबसे पहला यहाँ पे टाइम स्पेंड का ऑप्शन आपको दिख रहा है। अगर आप चाहो तो अपने हिसाब से टाइम स्पेंड कर सकते हो इंस्टाग्राम में। यहाँ पे एक टाइम लिमिट भी दिया हुआ है कि आप अपने हिसाब से यहाँ पे टाइम लिमिट सेट कर लो कि आपको 1 घंटा चलाना है 2 घंटा चलाना है। आपके पेरेंट्स भी ये जो है सेट कर सकते हैं, यानी 18 से जो कम एज ग्रुप के हैं उनके पेरेंट्स सेट कर सकते हैं। दूसरा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है सजेस्टेड कंटेंट। अगर आप अश्लील वीडियोज़ देखोगे तो अश्लील वीडियोज़ ही आएंगे आपके सामने, लेकिन अगर आप सजेस्टेड कंटेंट में जाके वो चीज़ स्टॉप कर दोगे तो वो वैसे वीडियोज़ नहीं आएंगी आपके सामने। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खास वाली चीज़ जो है मेरे को सेटिंग्स में ये लगती है आपको, सुपरविज़न वाला फीचर। सुपरविज़न फीचर एक ऐसा फीचर है जो कि स्पेशली 18 एज से जो कम है उन बच्चों के लिए रखा गया है, जिसमें जो है फैमिलीज़ जो हैं वो अपने बच्चों को देख सकते हैं कि वो इंस्टाग्राम में क्या यूज़ कर रहे हैं, क्या चीज़ नहीं है, वो टाइम लिमिट सेट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें गाइड कर सकते हैं अपने बच्चों के जो 18 ईयर्स से कम के हैं, उनका पूरा इंस्टाग्राम वो हैंडल कर सकते हैं। तो ये सारी ऑलरेडी फैसिलिटीज़ दी हुई हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इंस्टाग्राम इतनी जल्दी ईजिली बैन होगा इंडिया में, क्योंकि इतनी सारी ऑलरेडी फैसिलिटीज़ दी हुई हैं। तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर ऐसा कुछ होता तो इंस्टाग्राम सामने से खुद एक नोटिफिकेशन निकाल दिया होता। ठीक है, तो इंस्टाग्राम बैन नहीं होने वाला है, ये चीज़ का आप बिल्कुल जो है टेंशन छोड़ दो। ठीक है, अब वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कर दो और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू।